हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी खुशी एंड आप सभी लोग को मेरे चैनल में बहुत ढेर सारा प्यार। सो गाइस, आज मैंने सोचा है कि कुछ बातें आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। जो भी मेरा दिल में बात होता है ना, तो उस बात को ना मैं सबके साथ में शेयर करने का बहुत ज्यादा दिल लगता है। जब तक मैं शेयर नहीं करूंगी तब तक मेरा दिल एकदम अंधेरा सा लगता है। कुछ तो बैठा हुआ है मेरा अंदर में, कुछ तो बैठा हुआ है ऐसा लगता है। सो जब मैं आप लोग के साथ में शेयर करती हूँ बहुत ज़्यादा खुश लगता है और मुझे ना बहुत ज़्यादा हल्का फील होता है। सो मैं आप लोग को ये बात बताने चाहती हूँ कि आप लोग को लग्जरी लाइफ चाहिए, है ना? किसको नहीं चाहिए, सबको चाहिए, है ना? सबको पसंद है लग्जरी लाइफ, बहुत सारे को पसंद है। लेकिन हम लोग ने जैसा सोचता है वैसा हम लोग के पास में होता नहीं है, है कि नहीं? कभी होता नहीं है ना, किसी किसी का होता होगा। हाँ, किसी किसी का तो हो सकता है, लेकिन 90% आदमी का, बहुत ज्यादा आदमी का प्रॉब्लम होता है ना। अब हम लोग ने जो भी सोचता है वो, जो भी चाहिए वो हम लोग को मिलता नहीं। लेकिन इसका पीछे का प्रॉब्लम जो है ना, वो आप लोग का पेरेंट्स को मत दीजिए, आप लोग का बड़ा आदमी को मत दीजिए इसका प्रॉब्लम। किस लिए? मैं क्या बोलना चाह रही हूँ आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा। सो ऐसा मत सोचो कि हाँ, मेरा पेरेंट्स ने हमारे लिए, मेरे लिए कुछ पहला कर दिया होता तो अभी मेरा लाइफ ऐसा डैमेज नहीं होता होगा। ये कभी भी मत सोचना, कभी भी। क्योंकि ना, अपना पेरेंट्स ने जितना हो सकता है वो कर देता है, लेकिन उन लोग का लाइफ में स्ट्रगल करते 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 बुढ़ापा आता है। बुढ़ापा के बाद में मतलब मर मर भी सकता है, लेकिन वो अपना बेटा बेटी का सपना पूरा नहीं कर सकता है। उसका कंडीशन ही ऐसा है, जितना सका था वो उसने कर दिया ना। अभी नहीं सका था, उसका क्या प्रॉब्लम बेचारा को, उसका क्या गलती है ना। सो इसलिए आप लोग का लग्जरी लाइफ नहीं होने से उसका पीछे का प्रॉब्लम, उसका पीछे का कारण आप लोग का पेरेंट्स को मत दीजिए। क्योंकि ऐसा सोचे कि हाँ, मेरे पेरेंट्स ने ऐसा लाइफ मेरे लिए नहीं बना दिया, ठीक है, ठीक है ना, लेकिन मैं करूँगी, अभी मैं करूँगा और मैं जाके अपना पेरेंट्स को, मैं जिस मतलब मेरा पेरेंट्स ने जैसा मैंने देखा वाला लाइफ मेरा पेरेंट्स ने नहीं जिया है ना, वैसा वाला लाइफ मैं मेरे पेरेंट्स को दूंगा। ऐसे सोच के आप लोग आगे बढ़ते जाना। अगर आप लोग सोचते हो कि हाँ, मेरा पेरेंट्स ने पहला ही ये सब मेरे लिए कर दिया होता तो मेरा लाइफ आसानी से हो जाता होगा, ऐसा कभी मत सोचना। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है ये वाला सोचना, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा। मैं अकेला सोच के भी रोती हूँ कभी कभी, क्योंकि ना पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होता है, बहुत ज़्यादा कर देता है। हाँ, किसी किसी का पेरेंट्स हो सकता है, लेकिन हाँ, जैसा भी हो उन लोग का, जैसा भी हो वो उन लोग का रास्ता में, उन लोग को जैसा लाइफ जीना है वो जी रहे है ना। सो वो लोग जैसा लाइफ जी रहे उन लोग को जीने दो। आप लोग को आपका के आपका आपका कैसा लाइफ जीना है वो तो आपका दिमाग में है ना। सो इसलिए आप आगे बढ़ते जाओ, हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। क्योंकि मेरा लाइफ है, मैं नहीं करूँगा तो कौन कौन करेगा? दूसरा आके तो थोड़ी करेगा कि ये करो ये करो, ये है तुम्हारे लिए अच्छा, ये करो ये करो। दूसरा आके थोड़ी कर देगा हम लोग के लिए, अपने के लिए कोई भी नहीं करेगा ना। जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक कोई भी नहीं करेगा। सो इसलिए दोस्तों, अपना पेरेंट्स को हमेशा खुश रखिए। अपना पेरेंट्स को कभी भी उसका मतलब गलती मत दिखाओ उसका सामने। हाँ, गलती हो सकता है पेरेंट्स से भी, लेकिन उसका गलती कभी मत दिखाना उसका ना। मुझे लगता है कि हाँ, पेरेंट्स ने हम लोग के लिए सब कुछ किया है, पढ़ाया है, इतना मतलब इतना थोड़ा ज्ञान दिया है। पहला वाला जमाना में पेरेंट्स का मतलब पढ़ाई नहीं होता था, बहुत ज़्यादा पेरेंट्स लोग का पढ़ाई नहीं होता था, लेकिन आके भी उसने ये वाला जमाना में, ये वाला जेनरेशन में हम लोग को थोड़ा मोड़ा तो पढ़ा दिया ना। हम लोग देख के पढ़ सकते हैं, कहाँ कहाँ में जा सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं। पहला वाला पेरेंट्स का बेचारा कितना प्रॉब्लम होना होता था, वो जो साइन करता था ना उसमें थंब प्रिंट लगाना था, थंब प्रिंट अभी भी है ऐसा मेरा ही। हाँ, मेरा पापा तो कर सकता था, लेकिन मामा नहीं कर सकता था, बहुत ज्यादा का ऐसा प्रॉब्लम होता है।
पहला वाला जमाना में ऐसा था, लेकिन उन लोग ने आके हम लोग को थोड़ा मोड़ा पढ़ाया तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, है ना। सो मैं यही सोचती हूँ कि अपना लाइफ को लेके दूसरा को हर्ट मत करिए, आपको जैसा लाइफ जीना है आगे बढ़ते जाओ, जीते रहो, मैं यही बोलना चाहती हूँ। सो वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा, तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। सो मिलती है अगला वीडियो में, सो बाय बाय।